हेलो गाइस, सो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का रिव्यू पर। सो आज फिर लेके आए हैं आप लोगों के लिए नई फिल्मी अपडेट। सो फाइनली आज मैंने देख ली है फिल्म ड्रीम गर्ल 2। सो पहले बात कर लेते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल फर्स्ट के ऊपर, यानी ड्रीम गर्ल का जो पहला पार्ट आया था 2019 में, जो कि फिल्म 28 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की थी। सो एक कॉमेडी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर की। उनका जो डायरेक्टर है राज सैंडिल्य, इन्होंने ड्रीम गर्ल 1 से ही शुरुआत की थी अपने एज ए डायरेक्टर। उन्होंने डेब्यू किया था बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल 1 से। दोनों ही फिल्मों में हमें मिलेगी भर भर के कॉमेडी मिलेगी हमें। तो अभी बात करते हैं फिल्म के लीड कैरेक्टर्स के बारे में। अगर बात करें फिल्म के लीड कैरेक्टर्स की, तो फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे आयुष्मान खुराना एज पूजा एज करण, यानी उनके फिल्म में दो कैरेक्टर हैं, एक लड़की वाला और एक लड़के वाला। और आयुष्मान खुराना के साथ ही हमें फिल्म में लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, अनु कपूर और राजपाल यादव, असरानी, अभिषेक बैनर्जी, मनोज जोशी, सीमा पावा जैसे कई बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे। एक कैरेक्टर फिर भी बच गए, एक कैरेक्टर और है फिल्म में, विजय राज, हमारे कॉमेडियन किंग विजय राज भी है इस फिल्म में। बात करें फिल्म के कॉन्सेप्ट की, तो फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है कॉन्सेप्ट। और कैरेक्टर एग्जीक्यूशन की बात करें, तो कैरेक्टर एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा है फिल्म में, और सब कैरेक्टर्स एक दूसरे से जब मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है फिल्म में। सारे कैरेक्टर्स का बार बार मिलना काफ़ी अच्छा लगता है। और रोमांटिक कॉमेडी जोनर की है ये फिल्म, सो इस फिल्म में हमें कॉमेडी तो भरपूर देखने को मिलेंगी और कहीं कहीं पर डार्क कॉमेडी भी है इस फिल्म में, जस्ट लाइक माई ब्लैक शर्ट, ऐसी डार्क कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगी फिल्म में। अगर बात करें परफॉर्मेंसेज की, तो सबकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है एक्सेप्ट आयुष्मान खुराना। ऐसे क्यों? क्योंकि उनके वहाँ उनका फिल्म में दो कैरेक्टर हैं, पूजा, जैसा कि मैंने बताया, पूजा और करमवीर। और एक बात और है, अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है जितनी भी फिल्में आई है पार्ट सिक्वल, चाहे गदर 2 हो, ओ माई गॉड 2 हो या ड्रीम गर्ल 2 हो, सारी फिल्मों में एक दूसरे के गाने बज रहे हैं। पहले हमने गदर देखी तो गदर में गदर के गाने बज रहे हैं, फिर मैंने ओ माई गॉड 2 देखी, उसमें भी गदर का गाना बज रहा है, फिर आज मैंने ड्रीम गर्ल 2 देखी, उसमें भी गदर का गाना बज रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, इसी महीने में सारी फिल्मों में एक दूसरे के गाने बज रहे हैं फिल्मों में। खैर छोड़ो, हमें क्या है, वो तो अच्छा है, चलो अच्छे गाने बज रहे हैं तो अच्छी बात है। सो अब बारी है फिल्म को रेट करने की। सो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 4 स्टार। फिल्म अच्छी है, आप लोग जाकर देख सकते हो अपने परिवार के साथ, कॉमेडी फिल्म है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप ना भी जाओ थिएटर तो कोई बात नहीं, आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों बाद आप लोग इसको देख सकते हो। इसकी अपडेट भी आपको हमारे YouTube चैनल पर आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो इस वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।